हेलो गाइस, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप आज जानते हो आप लोग कि आज कोरोना वायरस की वजह से आज जनता कर्फ्यू है। सो आप लोग जनता कर्फ्यू का बिल्कुल पालन करो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम घर बैठे थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और आज हम चौथे सेमेस्टर के पहले चैप्टर के पार्ट थर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एंड मैंने थोड़ा सा क्लेरिफाई के लिए लिख दिया वीडियो नंबर थर्ड। सो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि इसके पहले दो वीडियो बन चुका है इस चैप्टर का। और लास्ट डिस्कशन हमने क्या क्या किया था, तो हमने करड़ी की परिभाषा एवं गुण किया था। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो सुन सकते हैं, और सुनने के बाद आप लोग जाके वहाँ से नोट्स बना सकते हो। करड़ी की परिभाषा होती है कि करड़ी वे संख्याएँ होती हैं जिनका मूल नहीं निकाला जा सकता। एग्जाम्पल समझिए, एज एग्जाम्पल अगर करड़ी में दो लिखा है तो इसका हम मान प्रॉपर परिमेय के रूप में या प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं पा सकते हैं। बट एज एग्जाम्पल अंडर रूट फोर का मान हम दो मिल सकता है। सो ये करड़ी नहीं है और ये करड़ी है। मैंने यही बताया करड़ी की परिभाषा में। करड़ी की परिभाषा होती है जिसका मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता उसे हम करड़ी कहते हैं, इसका मूल ज्ञात किया जा सकता है इसलिए करड़ी इसे नहीं कहते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे जब आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है अंडर रूट फोर। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, बिकॉज अपरिमेय मतलब करड़ी समझते हैं बच्चे। यहाँ पे परिमेय का मतलब ही हो जाएगा कि जिसका मूल ज्ञात किया जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो इसके गुण के बारे में बात करूं तो गुण क्या होता है। गुण ये होता है कि करड़ी संख्याएं ना ही परिमेय संख्याएं होती है ना ही प्राकृतिक संख्याएं होती है। नोट डाउन डेट वर्ड, करड़ी संख्याएं ना ही परिमेय संख्याएं होती है और ना ही प्राकृतिक संख्याएं होती है। आगे पढ़ते हैं, घात से करड़ी में बदलना और करड़ी से घात में बदलना। दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बट आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। घात से करड़ी में बदलना और करड़ी से घात में बदलना, तो ये होता है कि सपोज दैट ये आपको करड़ी दी गई है तो इसको घात में कैसे लिखोगे, तो 2 to the power 1/2। ये होता है करड़ी से घात। और अगर आपको घात ही दे दी गई हो, इस तरह से घात दे दी गई हो 3 to the power 1/3, तो कैसे लिखेंगे। देखो जो बाई में होता है ना वो मूल रूप में आता है एंड 3 to the power 1 करते हैं, ठीक है। तो आप पीछे वीडियो को जाके देखो, काफी ज्यादा डिस्कशन किया गया था क्योंकि यही दो टॉपिक उस वीडियो में पढ़ाया गया था, तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला ये है करड़ी के प्रकार। तो हमने कल पढ़ा था करड़ी चार प्रकार से हमने पढ़ा था। एक तो शुद्ध करड़ी, जैसे ये आपका अंडर रूट 2 है तो इसे हम शुद्ध करड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका एक गुणनखंड 1 होता है। समझ रहे हो यार ये बात, इसका एक परिमेय गुणनखंड 1 होता है। जाके पिछले वीडियोस को देखो तो अच्छे समझ में आएगा। दूसरा हमने पढ़ा था मिश्र करड़ी, उसमें क्या होता है कि जिसका एक परिमेय गुणनखंड 1 तो होता है उसके साथ साथ एक और परिमेय गुणनखंड होता है। एज एग्जाम्पल जैसे हमने बताया आपको 3 under root 3 लिखा हो तो इसका गुणनखंड जो होंगे ना वो 1 तो होगा, 3 भी होगा और अंडर रूट 3 भी होगा। सो दैट्स वाई ये हो जाएगा आपका मिश्र करड़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था वहां पे संयुग्मी करड़ी, संयुग्मी भी आप जाके देखो। फिर करड़ी की संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो तो देन यू हैव पुट योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन रिकॉल इट। आगे बढ़ते हैं हम टूडे टॉपिक, असमान घात वाली करड़ी को समान घात वाली करड़ी में बदलना। देखते हैं क्या क्या करना होता है। अब असमान घात वाली करड़ी को देखो, करड़ी की घात क्या होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो वैल्यू लिखी है आप देख पा रहे हो ना, ये 3, यही है उस करड़ी की घात। करड़ी की घात है, याद रखना करड़ी की घात है, किसी संख्या की घात नहीं है। इस करड़ी की घात 3 है, इस करड़ी की घात कितनी है, 4। आते हैं देखे क्या स्टेप होता है। दी गई करड़ी संख्या को घात के रूप में लिखिए, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आप देख पा रहे हो कि 3 3/3 को 3/3 को लिखा गया है 3 to the power 1/3। फिर लिखा गया 4/2 को लिखा गया है 2 to the power 1/4। अगला स्टेप क्या करते हैं, आप देख पा रहे हो जैसा कि घातों के हरों का एलसीएम निकालकर प्रत्येक संख्या के अंशों में गुणा करा दीजिए। देखो जब एलसीएम निकाल के आप गुणा कराओगे तो यहाँ पे आपको आप देख रहे हो कि इसका घात जो था 1/3 था और 1/4 था। इनके हरों का मतलब 3 और 4 का, देखो यहाँ पे लिखा है ना घातों के हरों का एलसीएम निकालकर, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12। अब 12 का इनके अंशों में पूरा पूरा दोनों के अंशों में हमने गुणा करा दिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है घातों के हरों से प्राप्त एलसीएम यानी 12 को हर बनाने के लिए, मतलब अब 12 ही सबके हर में रहेगा। तो अगर देखो 3 को 12 बनाना है तो किससे गुणा कराना पड़ेगा, 4 से।
अगर चार को 12 बनाना है तो किससे गुणा कराना पड़ेगा, 3 से। तो हर बनाने के लिए, क्यों मैं हर बना रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किसी भी करणी की घात जो होती है वो यहां लिखी जाती है, और ये जो लिखा जाता है ये बटे में होता है, तो इसीलिए तब हाँ हमने लिखा क्या है, असमान घात वाली करणी को, मतलब यहाँ 3 है यहाँ 4 है, इन दोनों जगहों पे सेम चीजें बनानी है, मतलब दोनों जगहों पे वही 12 आना चाहिए। तो इसको 12 बनाने के लिए, यानी 3 को 12 बनाने के लिए क्या करें, 4 से गुणा करा दें, 4 को 12 बनाने के लिए क्या करें, 3 से गुणा करा दें। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसा कि इसको कन्वर्ट किया गया है, 3 to the power 4 by 12 एंड 2 to the power 3 by 12। अब ये देखो दोनों जगह 12 हो गया, सो ये करडी वाली जो घात है वो बराबर होगी, बिकॉज देखो जब इसको आप लिखोगे तो आप लिखोगे 12th root of 3 to the power 4 एंड 12th root of 2 to the power 3। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का, टॉपिक नंबर 2, करडी को आरोही अवरोही बड़ा या छोटा ज्ञात करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो आप देख पा रहे होगे ना कि करडी को आरोही में, आरोही की जगह पे मैंने तीर लगा के लिखा है 3, अवरोही की जगह पे मैंने तीर लगा के लिखा है 4। आज तक जितने बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना आरोही और अवरोही में, आज के बाद नहीं होंगे, बस सुनो ध्यान से। आरोही में कितने शब्द, 3, अवरोही में कितने शब्द, 4। इट मीन्स दैट जब आपसे आरोही क्रम लिखने के लिए कहा जाए तो आप अवरोही का कंपेरिजन करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। इसका मतलब अगर आरोही लिखने के लिए कहा जाए तो हम 3, मतलब 3 छोटा है कि 4 छोटा है, तो 3 छोटा है। इसका मतलब आरोही लिखने के लिए कहा जाएगा तो पहले हम कौन सा क्रम चीज लिखेंगे, तो हम लिखेंगे छोटा, और जब अवरोही लिखने के लिए कहा जाएगा तो पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या। तो हम कौन सी संख्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बड़ी संख्या। अब देखते हैं क्या स्टेप है, घातों को परिमेय संख्या में बदलेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा, परिमेय संख्या में बदलेंगे, इन द सेंस कि जो घात हैं उनको परिमेय संख्या में बदलेंगे, अथवा लिखा गया समान घात वाली करणी में बदलेंगे। ठीक है, अब देखो करते क्या है, मैं सीधा सीधा बताऊं कि अगर आपको, लेट्स अज्यूम दैट अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ये जो दोनों है, दिया गया हो 3rd root of 3 कामा 4th root of 2 में कौन सा बड़ा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो इसको कुछ नहीं करना, 3 to the power 1 by 3 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 to the power 1 by 4। अब क्या करो, मैंने वही जो काम अभी बताया कि एलसीएम निकाल लो, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लिया, कितना हो गया 12। तो यहां पे 12 से गुणा करा दो और यहां भी किससे गुणा करा दो। अब जब 3 से काटोगे 12 को तो 4 बार में आ जाएगा, यानी 3 पर घात 4, और ये हो जाएगा 4 3 12 2 पर घात 3। आप खुद डिसाइड कर सकते हो, 3 पर घात 4 का मतलब हो जाएगा आपका 81, 2 पर घात 3 का मतलब 8, तो बड़ा कौन सा हो गया, 81। सो दैट्स वाई ये वाली करड़ी क्या हो गई हमारी, बड़ी, और ये वाली करड़ी हमारी क्या हो गई, छोटी। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, अब चाहे जितना बड़ा एग्जाम्पल, चाहे 3 करड़ी का क्यों ना कंपेरिजन करना पड़े, आप देख सकते हो। अगर मान लो, लेट्स अज्यूम दैट कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया करड़ी में 2, 3rd root of 3, फिर दिया गया हो 7th root of 5 में कौन सी करड़ी बड़ी, तो देखो कुछ करना नहीं है, इसको लिख सकते हो 2 पर घात 1 बटा 2, ठीक है, इसको लिख सकते हो 3 पर घात 1 बटा 3, इसको लिख सकते हो 5 पर घात 1 बटा 7। 2, 3 और 7 का एलसीएम लोगे तो सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं जो कट नहीं सकती किसी से, तो 3 दूना 6 और 7 6 42, तो ऊपर जब 42 से गुणा कराओगे, 2 से काटोगे 42 को तो ये हो जाएगा 2 पर घात 21, ये हो जाएगा 3 से काटोगे 42 को तो आई थिंक 3 से काटोगे 42 को तो आपका हो जाएगा 14 14 दूना 28 14 42, और ये हो जाएगा 5 पर घात आपका क्या हो जाएगा 6। देन यू कैन एज्यूम दैट कि 2 पर घात 21, 3 पर घात 14 और 5 पर घात 6 में कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पर घात 21, घात ही 21 है, यानी 2 को 21 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, या 3 को 14 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो इस तरह से हम ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। गाइज आज का ये वीडियो सेशन इतना ही था, हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम सवालों को लगाएंगे। तो आपका करड़ी से रिलेटेड जो लोग बच्चों बच्चे देखे ही नहीं है पूरे करड़ी का चैप्टर, वो फिर से जाके देखें, उन्हें मैं पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आज का ये सेशन है, सेशन वाला आपका क्वेश्चन आंसर है, जिसको आप ध्यान से देख लो, नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ एंड कोरोना से बचो। थैंक यू वेरी मच।